शुभ दोपहर प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका रेणु शर्मा आज फिर से संस्कृत का एक नया अध्याय लेकर प्रस्तुत हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम मातुल चंद्र पाठ पढ़ेंगे, ठीक है। इस पाठ में क्या दिया गया है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेती हूँ। यह एक बाल गीत है। एक बालक विस्तृत नील गगन में चंदा मामा की ओर आकर्षित होकर अनुरोध करता है कि चंदा मामा उस पर स्नेह बरसाए, उसे गीत सुनाए। चंदा मामा कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं, यह बात उसे अचंभे में डालती है और वह चंदा मामा से क्वेश्चन कर रहा है इस पाठ में। तो चलिए इस अध्याय को हम पढ़ लेते। पंचदश है, पाठ है, पंद्रहवा पाठ है। पंचदश क्या होता है? पंद्रह। मातुल चंद्र, मातुल क्या होता है? मामा। चंद्र, चंदा मामा, ठीक है। पाठ का नाम क्या है? चंदा मामा या मातुल चंद्र, ठीक है। सॉरी, कुछ सबसे पहले है, कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र, कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र। इसमें एक छोटा बच्चा कह रहा है, कुतः का अर्थ होता है कहाँ से, कुतः कहाँ से आगच्छसि। आगच्छसि क्या होता है? आते हो। मातुल चंद्र है चंदा मामा, कुत्र गमिष्यसि कुत्र कहाँ। देखो, कुतः होता है कहाँ से और कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। गमिष्यसि जाते हो। मातुल चंद्र है चंदा मामा, एक बच्चा कह रहा है कि हे चंदा मामा, तुम कहाँ से आते हो और कहाँ गमिष्यसि जाओगे, ठीक है। लरिट लकार में है, भविष्यत काल में है, ठीक है। तो क्या कहता है कि हे चंदा मामा, तुम कहाँ से आते हो और कहाँ जाओगे। अतिशय विस्तृत नीला आकाश है। अतिशय विस्तृत बहुत ज्यादा फैला हुआ। अतिशय विस्तृत क्या होता है? बहुत ज्यादा फैला हुआ, ठीक है। फिर है नीला आकाश है, नीले रंग के आकाश में क्या कहता है कि नीला आकाश बहुत विस्तृत है, अर्थात फैला हुआ है। नैव दर्शते कवचित अवकाश है। नैव, नैव का अर्थ क्या होता है? न प्लस एव है ये, ठीक है। कहीं नहीं, दर्शते दिखाई देता, कवचित कोई, अवकाश है अवकाश, क्या कहता है कि कहीं कोई खाली जगह दिखाई नहीं देती। कथम प्राप्यसि प्रयास्यसि मातुल चंद्र, कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र। कथम, कथम का अर्थ क्या होता है? कथम कैसे, कथम का अर्थ क्या होता है? कैसे प्रयास्यसि जाओगे मातुल चंद्र, चंदा मामा, कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र। हे चंदा मामा, आप कहाँ से आते हो और कैसे जाओगे। क्या कहता है दोबारा से देखिए कि नीला आकाश बहुत दूर तक फैला हुआ है, कहीं कोई खाली जगह नहीं दिखाई दे रही, तुम कैसे जाओगे। हे चंदा मामा, तुम कहाँ से आते हो, ठीक है। देखो दोबारा से पूरे स्टार्टिंग से ही, कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र, कुतः कहाँ से आते हो चंदा मामा, कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा तुम कहाँ जाओगे। अतिशय विस्तृत नीला आकाश है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। कौन कौन? नीला आकाश है, वो बहुत दूर तक फैला हुआ है। नहीं दर्शिते कवचित अवकाश है, कहीं कोई खाली जगह नहीं दिखाई देती।
कथम प्रयाशसी मातुल चंद्र, हे चंदा मामा तुम कैसे जाओगे? कुते आगस्सी मातुल चंद्र, हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो? ठीक है, इसके बाद है कथम आयसी ने भो मम गेहम। मम गेहम क्या होता है? मेरे घर। ठीक है, कथम आयसी क्यों आते हो? ठीक है, कथम प्लस आयसी कैसे क्यों आते हो? भो संबोधक सूचक अव्यय है ये, गेहम घर, कृषि। कृषि क्या होता है? बिखेरना, कृषि बिखेरते हो। कथम ने स्नेहम, स्नेहम क्या होता है? स्नेह या प्यार। कदा कदा आगमिष्यसि, कब आओगे? मातुल चंद्र चंदा मामा, वो क्या कहता है बच्चा कि आप मेरे घर क्यों नहीं आते? कथम आयासी ने भो मम गेयम, आप मेरे घर क्यों नहीं आते? मातुल कृषि कथम न स्नेहम, और मातुल क्या होता है? मामा कृषि बरसाते हो या बिखेरते हो। तुम स्नेह है क्यों कि तुम मामा की तरह स्नेह है क्यों नहीं बरसाते? कदा आगमिष्यसि मातुल चंद्र, तुम कब आओगे चंदा मामा? कुते आगच्छसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो? क्या कहता है कि आप मेरे घर क्यों नहीं आते हो? और मामा की तरह स्नेह है क्यों नहीं बिखेरते या क्यों नहीं बरसाते हो? कदा आगमिष्यसि चंदा मातुल चंद्र, हे चंदा मामा तुम मेरे घर कब आओगे? कुते आगस्सि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो? ठीक है, मातुल चंद्र चंदा मामा। फिर है धवलम तव चंद्रिका वितानम तारक खचितम शीत परिधानम मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र, कुते आगस्सि मातुल चंद्र। इसके बाद देखो धवलम, धवलम तम, धवलम क्या होता है? सफेद। ठीक है, धवलम सफेद, तव तुम चंद्रिक वितानम चांदनी का फैलाओ। चंद्रिक वितानम क्या होता है? चांदनी का फैलाओ, चांदनी का फैलाओ। तारक खचितम शीत परिधानम, तारक खचितम तारों से भरा हुआ। तारक खचितम क्या होता है? तारों से भरा हुआ। शीत परिधानम सफेद चादर, सफेद चादर। मह्यम होता है मुझे, दास्यामि दास्यसि मातुल चंद्र। इसमें क्या कहा गया है कि तुम्हारी फैली हुई चांदनी सफेद है। दावलम तव चंद्रिका वितानम, तुम्हारी फैली हुई चांदनी सफेद है। तारक खचितम शीत परिधानम, तुम्हारा सफेद चादर तारों से भरा हुआ है। तुम्हारी जो सफेद चादर है वो तारों से भरी हुई है, या सफेद वस्त्र है वो तारों से भरा है। मह्यम, हे चंदा मामा क्या तुम मुझे दोगे? जो जो चादर है उसके बारे में पूछा जा रहा है। मह्यम दास्यसि, दास्यसि का अर्थ होता है देना। मातुल चंद्र चंदा मामा, हे चंदा मामा क्या तुम मुझे यह वस्त्र दोगे? कुते आगस्सि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो? दोबारा देखो, धवलम तव चंद्रिक चंद्रिका वितानम, तुम्हारी जो चांदनी है
तुम्हारी चादर है वो कैसी है? सफेद है, चांदनी है वो, सफेद है। तारक खचितम शीत परिदानम, तुम्हारी फैली हुई चांदनी सफेद है, तुम्हारा सफेद वस्त्र या चादर तारों से भरा है। हे चंदा मामा, क्या तुम मुझे यह वस्त्र दोगे? और क्या कहा गया है कि कुतः आगस्य मातुल चंद्र, हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो? ठीक है, इसके बाद है तवरित में ही माम सरावे गीतिम प्रिय मातुल, वर्दे में प्रीतिम किन आशेषी मातुल चंद्र, तू कुतः आगस्य मातुल चंद्र। तवरित में ही माम श्राव्य गीतम, तवरित में ही माम श्राव्य गीतम, तवरित में ही, तवरित होता है जल्दी, में ही मुझे माम श्राव्य गीतम, मुझे गीत सुनाओ, जल्दी आओ और मुझे गीत सुनाओ। प्रिय मातुल प्यारे मामा, वर्दे में प्रीतिम, वर्दे होता है बढ़ाओ, प्रीतिम होता है प्यार, और वर्दे का अर्थ क्या होता है? बढ़ाओ। किन किन अन्यासी, किम प्लस न प्लस आयसी है ये, ठीक है, इसका अर्थ होता है क्या नहीं आओगे। ठीक है, वो क्वेश्चन करता है क्या नहीं आओगे मातुल चंद्र चंदा मामा, कुतः आगस्सी कहाँ से आते हो चंदा मामा। ठीक है, क्या कहा गया है कि हे प्रिय मामा, हे चंदा मामा तुम जल्दी आओ और मुझे गीत सुनाओ। ठीक है, श्राव्य गीतम, श्राव्य का अर्थ होता है सुनाना। ठीक है, सुनाओ गीतिम गीत, क्या कहता है कि जल्दी आओ मुझे गीत सुनाओ। प्यारे मामा मेरा प्यार बढ़ाओ, वर्दे में प्रीतम मेरा प्यार बढ़ाओ। किन किम ने आयशी, क्या नहीं आओगे मातुल चंद्र चंदा मामा, हे चंदा मामा क्या तुम नहीं आओगे? कुते आगस्सी मातुल चंद्र, हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो? एक बार दोबारा से अनुवाद देख लीजिए इसका। देखो, सबसे पहला जो श्लोक है उसमें सबसे स्टार्टिंग में क्या दिया है कि कुतः आगस्य मातुल चंद्र, हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो और कहाँ जाओगे? अति अतिशय विस्तृत नीलाकाश है, नीला आकाश बहुत दूर तक फैला हुआ है, कहीं कोई खाली जगह नहीं दिखाई देती, हे चंदा मामा तुम कैसे आओगे और हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो? उसके बाद कहता है कि आप मेरे घर क्यों नहीं आते, मामा की तरह स्नेह क्यों नहीं बरसाते, हे चंदा मामा तुम कब आओगे, चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो? इसके बाद है तीसरा श्लोक, इसमें बताया गया है कि धवलम तव चंद्रिका वितनाम वितानम, अर्थात कि तुम्हारी जो फैली हुई चांदनी है वो सफ़ेद है, तुम्हारा सफ़ेद वस्त्र है वो तारों से भरा हुआ है। हे चंदा मामा क्या तुम वह वस्त्र मुझे दोगे? हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो? इसके बाद जो हमारा लास्ट श्लोक है उसमें बताया गया है कि क्या प्रार्थना की जा रही है कि जल्दी आओ मुझे गीत सुनाओ, प्यारे मामा मेरा प्यार बढ़ाओ, चंदा मामा तुम नहीं आओ, क्या तुम नहीं आओगे, हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो? इसके बाद है, इसके बाद शब्दार्थ है, शब्दार्थ है इस पाठ के। देखो, मातुल चंद्र है चंदा मामा, ठीक है, फिर है कुतः, कुतः एक अव्यय शब्द है, इसका अर्थ होता है कहाँ से, अतिशय विस्तृत, अतिशय विस्तृत होता है अति विशाल या बहुत बड़ा, दर्शयते दिखता है या दिखाई देता है। फिर है कवचित, ये भी एक अव्यय है, अव्यय से आप लोग समझते होंगे
जिनका लिंग विभक्ति वचन के अनुसार जिन भी शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता वो अव्यय शब्द कहलाते हैं, इनको अविकारी शब्द भी कहते हैं। तो ये जो कवचित शब्द है ये भी क्या है, अव्यय है, इसका अर्थ होता है कहीं भी। प्रयाशेषि जाओगे, गेहम होता है घर को। फिर है कृषि, बिखेरते हो या बिखेरती हो, हम इसका दोनों में मीनिंग लेंगे, पुलिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी। फिर है धवलम, सफ़ेद, चंद्रिक वितानम, फैली हुई चांदनी, तारक खचितम, तारों से शोभित, शीत परिधानम, सफ़ेद वस्त्र। फिर है मह्यम, मुझे, त्वरितम, शीघ्र। फिर है एही, आओ, श्राव्य, सुनाओ, और वर्दे का अर्थ होता है बढ़ाओ। ठीक है, ये सारे इसके वर्ड मीनिंग है। वर्ड मीनिंग बेटा आप याद करेंगे, जब तक आपको वर्ड मीनिंग नहीं आएंगे आप चैप्टर का अनुवाद अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे हर पाठ के जो वर्ड मीनिंग दे रखे हैं बुक में वो आप अच्छे से याद कर लेना। मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है संस्कृत से संबंधित, बेटा आप मेरे व्यक्तिगत नंबर से संपर्क करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।